नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चार्टर्ड कोचिंग क्लास बहराइच में। लोग आज बीकॉम सेकेंड ईयर का कास्ट अकाउंट का पेपर देखेंगे 2019 का। ये बैक पेपर है, ध्यान रखिएगा। अनसॉल्व में आपके जो है 2020 का पेपर मिलेगा, लेकिन वो जो है या 19 का भी मिलेगा, लेकिन मेन पेपर मिलेगा, बैक पेपर नहीं मिलता। ये बैक पेपर है और सेकेंड ईयर का, तो इसमें देखेंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये 100 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, कौन से क्वेश्चन थ्योरी में आ रहे हैं और कौन से न्यूमेरिकल में। तो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। अब देखिए, वेस्टेज की बात करें तो नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करेंगे। व्हाट डू मीन बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लेबर टर्नओवर। डिस्कस 3 मेरिट एंड 3 डिमेरिट्स ऑफ टाइम रेट बेस्ड पेमेंट मेथड। डिफाइन ओवरहेड्स, क्लासीफाई ओवरहेड इनटू मेन हेडिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज बैच कॉस्टिंग, एक्सप्लेन बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इसकी इन्होंने बात की। सेक्शन बी में जब जाएंगे तो सेक्शन बी में जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना होगा जो है। अब देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटल जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसके अलावा देखिए, इसने न्यूमेरिकल दिया गया आपके सामने और मटेरियल जो है यहाँ पे निकालना क्या है, ये कॉस्ट शीट बनानी है। जी, ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट से रिलेटेड है, कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, तो जितनी आप थ्योरी लिखेंगे उससे बेहतर है कि आप न्यूमेरिकल कर लें। ऐसे बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कॉस्ट शीट बना सकते हैं। फिर व्हाट इज मीन बाय इंसेंटिव प्लान इन रेमुनरेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ इंसेंटिव फॉर रेमुनरेटिंग। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद आर लगा के जो है इसमें न्यूमेरिकल, देखिए ये भी दिया गया है, ये आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल अब देख लीजिए, और ये प्रोसेस का है। और इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए, तो 4th में एक्सप्लेन कॉस्ट, ठीक है। हाउ कॉस्ट कैन बी क्लासीफाइड, लागत क्या, लागत के प्रकार। अब देखिए, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब बताना है। वेस्टेज जो है इंक्रीजेस कॉस्ट, एक्सप्लेन इट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्टेज। अब वेस्ट टाइप ऑफ वेस्टेज में जो है नॉर्मल एबनॉर्मल, ये सब बताएंगे आप। फिर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके बारे में आपको डिटेल देना है। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी है इसका, अथवा में देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक ही चैप्टर का दिया है। और इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो है थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाउ इज इट डिटरमाइंड, तो ये लिखा है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की जो है थ्योरी दी गई, दोनों में से करना। अब सेक्शन सी जब आएगा तो इनमें से कुल मिला के 2 क्वेश्चन आपको करना, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, ये प्रोसेस का है, 3 प्रोसेस की बात कर रही है, ठीक है, ये प्रोसेस का है। और इसके बाद सेक्शन जो ये सी का 8 नंबर का क्वेश्चन जो देखेंगे, तो ये आपका डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है, डिफरेंट इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। और इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यू ऑफ मटेरियल, इसमें लीफो फीफो के बारे में आपको बताना है, बाकी ये थ्योरी है। और ये देखो थ्योरी दी गई है, तो इससे आपको पेपर का आइडिया लग गया होगा। और नीचे अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है मैं आपको कॉस्ट अकाउंट की मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में इसका अगर पेपर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।